कॉलेज में कई तरह की खामियां हैं, लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी रेफर किया जा रहा है, क्या वजह है? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश, अंबेडकराई डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज एम्प्लाई स्टूडेंट एंड डेप्राइड पीपल सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी एसोसिएशन कई दिनों से इस मेडिकल कॉलेज में संघर्ष कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं मरीजों को, स्टूडेंट्स को आ रही हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से इस मेडिकल कॉलेज में जो निदेशक है, जो स्थायी निदेशक है, उसका पद खाली पड़ा है, और जो यहाँ पर जो कार्यवाहक निदेशक लगाई गई है वो अपनी जिम्मेवारी का पूरी तरह वहन नहीं कर रही है। वह रोज सरकारी गाड़ी से गुड़गांव से रोज अप डाउन कर रही है। जब वो रात में यहाँ पर रुकेंगे नहीं तो कॉलेज में अव्यवस्थाओं की भरमार होगी। यहाँ पर यह भी काबिले गौर है कि यहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो पद है, जो बड़ा अहम पद होता है और इसकी मेडिकल कॉलेज में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पद पिछले कई साल से यहाँ पर खाली पड़ा है, जिसके कारण बहुत सारी असुविधाएं मरीजों को हो रही है। आप मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की मशीन लें, बड़ी छोटी इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है, पिछले 4 से 5 महीने से अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है, और अब जब मशीन ठीक होने का नंबर आया है तो पता चला है कि जो डॉक्टर यहां पर लगाया गया उसकी एक्सटेंशन खत्म हो गई है और उसकी एक्सटेंशन अभी तक नहीं आई है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो मरीजों मरीजों के लिए जो स्ट्रेचर हैं, आए दिन देखने में आता है कि जो स्ट्रेचर है वो काफी कम है, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति में जब 10-10 कैजुअलिटी आ जाती हैं तो मरीजों को, उनके जो परिजन हैं, उनको हाथों में, गोदी में उठाकर ले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि मरीजों के लिए पार्क बनाया गया है, उसमें बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, और इसी के साथ साथ लिफ्टें हैं वो भी 42 लिफ्टें हैं, उनमें से काफी लिफ्टें खराब पड़ी हैं, प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। फिर क्या माने इस तरह की जो खामियां हैं, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी जो है, लोगों का जो स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है मेडिकल कॉलेज के ऊपर निर्भर है, लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेवात पिछड़ा हुआ नहीं है, इसको तो सरकारें या ये लगाएं कि सरकार का भी मुझे कोई ज्यादा सा महत्वपूर्ण रोल नहीं लग रहा है। ये जो अधिकारी जो मेवात में बिठा रखे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार ने जो पॉलिसी बना, जो सरकार नीतियां बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जी, जिस तरह से यहाँ कई चीज़ें हैं, रेबीज का टीका नहीं है, और एक अखबारों में कुछ दिन पहले एक प्रकाशित हुई थी जो टेटनस का टीका भी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला, तो फिर इतनी लापरवाही को सुधार कैसे होगा? मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने भी दैनिक जागरण में पढ़ा था, बड़ा मुझे भी अजीब लगा था कि भाई इस तरह का जो अखबार में न्यूज छपी है कि टेटनेस का इंजेक्शन नहीं है, जो रेबीज का इंजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन बंदर से या कुत्ते के काटने के बहुत सारे मरीज आते हैं, तो सरकार को रेबीज का इंजेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि यानी कि मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है उसमें जनता का विश्वास बना रहे। लोगों को भारी परेशानी हो रही है, सुनने में यहाँ तक भी आ रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज का जो मान्यता है उस पर भी खतरा मंडरा रहा बिल्कुल है। खतरा मंडरा रहा है, यहां पर काफी संख्या में जो पद है खाली पड़ा है, और हमारी जो सोसाइटी है उसने SC ST कमीशन में भी मामले को लेके गए हम कि यहां पर है ना, जो पदों को भरने के लिए जो उचित व्यवस्था करनी चाहिए वो ना करके जो यहां पर अनुसूचित जाति के डॉक्टरों की सीटें हैं वो तक डी रिजर्वेशन करवाने का खेल चल रहा है, जिसके लिए हमने SC ST कमीशन में और यूनिवर्सिटी में ज्ञापन भी सौंपा है। और यहां पर अभी हमारी जो एसोसिएशन है वो मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि कॉलेज को मान्यता क्यों नहीं मिल रही, हमारे प्रयास जारी हैं। लगातार हम देख रहे हैं खबरों के माध्यम से भी, आप कहीं कर्मचारी की बात हो, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की बात हो, हर की आप आवाज़ उठा रहे हैं कहीं, तो किस तरीके से ये जो मांग आप रख रहे हैं, कितनी मांग को समाधान हुआ है, क्या लग रहा है? मैं ये बताना चाहूंगा, हमारी एसोसिएशन ने जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जो डिमांड उठाई थी उस पर उनको उसका फायदा मिल चुका है, उनका जो 15 से 20 लाख रुपए का जो एरियर था वो कहीं ना कहीं उनके खाते में आ चुका है, और अभी हमने स्वीपर्स की जो मांग थी कि उनका ईपीएफ पेंडिंग पड़ा है उस पर भी कार्यवाही जारी है। इसी के साथ साथ अभी जो मेंटेनेंस के जो यहाँ कर्मचारी हैं जो 250 से 300 लगे हुए हैं, वो भी मेरे पास आ जा रहे हैं कि उनका 5 महीने का जो वेतन है वो पेंडिंग पड़ा है। जूनियर रेजिडेंट्स की जो डिमांड थी उनको पिछले 7 लगते जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 7वें आयोग का बेनिफिट मिल रहा था लेकिन यहां नहीं मिल रहा था, हमारी एसोसिएशन ने आवाज उठाई जिसके परिणाम स्वरूप उनको 7वें वेतन आयोग का फायदा मिला।
धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? फारूक सरपंच। सरपंच साहब, यहाँ नलड़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों को असुविधाएं मिल रही हैं, कोई सुविधा नहीं है, सुनने में आ रहा है कि व्हीलचेयर तक की भी सुविधा नहीं है, तो किस तरह की परेशानी लोगों के लिए यहाँ पे हो रही है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ की जो डायरेक्टर हैं वो महिला हैं, वो जो है उसका जो सिस्टम गलत है, रवैया भी उसका गलत है, लोगों की कंप्लेंट भी नहीं सुनती है वो, व्हीलचेयर भी नहीं है, जो पेशेंट को कोई दवाई भी नहीं मिलती, कुत्तों के वहाँ इंजेक्शन भी नहीं है, टेटनस का इंजेक्शन नहीं है, उसको रेफर दिल्ली के लिए कर देते हैं, गुड़गांव के लिए कर देते हैं, बाहर के लिए जी। तो ये करेंगे क्या? इसका तो कोई फायदा तो यहाँ हुआ नहीं है अभी तक। जितना बड़ा सरकार ने 700 करोड़ रुपए लगा के नहीं ये हॉस्पिटल जो है कौम के लिए तैयार किया, तो उसका कोई फायदा और बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर और अधिकारी अच्छे नहीं। तो ये सारी जो असुविधाएं लोगों को हो रही है, ये स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार डॉक्टर है उनकी तरफ से हो रही है? हाँ, उसकी तरफ से हो रही है, जो यहाँ की जो डायरेक्टर है ना उनकी तरफ से ये जो गैर जिम्मेदाराना उसका जो रवैया है वो उस पर ठीक काम नहीं कर रही है। जैसे मान लो 1:30 बजे लंच होना चाहिए, 1 बजे कर लेते हैं, 12:30 बजे कर लेते हैं, फिर पेशेंट अपने घूमते रहते हैं इधर उधर, परेशान हैं लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, किसी को पर्ची नहीं मिलती, किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को मामला नहीं, उस तरीके की जो है गैर जिम्मेदाराना मामला ही चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं अपनी मिसिज को लेकर आया हूँ। मेरे से बोल रहा है वो एक्स्ट्रा वाला, जो मेरी मर्जी में आएगा वो मैं करूँगा, जबकि मेरी मिसिज इमरजेंसी में है। मैंने बोला रिक्वेस्ट करके नहीं कि भाई मेरा यू है मरीज, इसको एक्स्ट्रा कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया। जो जिससे तुझे कहना उससे कह दे, यहाँ तक बोल दिया अनिल ब्रिज तक कह देना आप। अच्छा, इस तरह का चैलेंज डॉक्टर तरफ से दिया जा रहा है? हाँ, उस जो एक्स्रा बोल रहा है, एक्स्रा करता है जो, वो बोल रहा है किसी से कह दे, सीएमओ से कह दे, डायरेक्टर से कह दे, अनिल ब्रिज से कह दे, और जिसका इसका तो सबसे बाद में नंबर लेना है। क्या मेरे साथ ऐसे सलूक होगा? मैं भी कानून जानता हूँ। वकील साहब, इस तरह से जो ये सब हो रहा है किसकी लापरवाही से, किसके अंदर किसकी लापरवाही से हो रहा है? अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ये लोग, तो इनका जो है इसकी लापरवाही का कोई इलाज है यहाँ पर नहीं है? यहाँ है, एक्सरे है ना यहाँ पे करा है, अब लंच आए मैं अपने उसका करा, ये बोल रहा है ये तो मेरा जान का, इसलिए मैं करूंगा, मन मर्जी करूंगा, और लंच में जो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, अपनी मन मर्जी के मुताबिक हो रहा है, मन मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मेरी मिसेज वहाँ पे पड़ी है चेयर पे और मैं उसको लेके बैठा हूँ। कितने दिनों से ये खेल यहाँ पे हो रहा है? ये तो मैं तो अभी पहली बार आया हूँ मेरे को तो, लेकिन लोग बाग में जो सुनता हूँ, जितने लोग बाग में सुनता हूँ यही सुनता हूँ कि भाई कि वो लल्लड़ में जो आदमी जाता है वो परेशान होकर आदमी घर पहुँच जाता है, यहाँ तक उसको कोई देखभाल नहीं होता। सरकार ने लगभग 700 करोड़ की लागत से लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, देखो यहाँ पब्लिक जितनी खड़ी है, पब्लिकों से पूछ लो किसी का भी कोई बेनिफिट हो रहा हॉस्पिटल से, उसी का बेनिफिट है जिसका यहाँ पे कोई, जिसकी जानकारी है, जिसकी जानकारी है उसको तुरंत ले लेते हैं, उसको लेते हैं, बाकी नहीं लेते किसी को भी। और मैं वहाँ पे बढ़ाऊंगा, मेरे को इससे ज्यादा कोई हुआ क्या? मैं बोल रहा हूँ फिर वो नहीं कर रहा, उसको बोलता है सीएमओ से कह दो, डायरेक्टर से कह दो, किसी से कह दो, इसके लिए भाई मुझे संतुष्टि चाहिए।